क्रिकेट में जब दोस्ती की बात आती है, एक रिश्ते की बात आती है, तो विराट कोहली और एमएस धोनी का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व कप्तान विराट कोहली न केवल एमएस धोनी की कप्तानी में खेले, बल्कि आज भी उनकी तारीफ करते हैं और अपना कप्तान बताते हैं। लेकिन इस मामले में एक हैरान करने वाला खुलासा हुआ है, और वो खुलासा किया है पूर्व फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने। श्रीधर ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि 2016 में विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान बनना चाहते थे तीनों फॉरवर्ड में। उस वक्त रवि शास्त्री ने उन्हें फोन किया और फोन करके समझाया उन्हें, और शास्त्री ने कहा था कि आप अभी कप्तान मत बनिए, अभी एमएस धोनी को कप्तान बने रहने दीजिए। एमएस धोनी ने आपको टेस्ट की कप्तानी दी है, समय आने पर आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी T20 और वनडे की कप्तानी भी दे देंगे। अगर आज आप धोनी का सम्मान नहीं करते हैं, तो कल जो आपकी टीम होगी, जो आपके खिलाड़ी होंगे, वो आपका सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए कप्तानी के पीछे भागिए मत, समय आएगा आपको कप्तानी मिल जाएगी। तमाम ये किताब के इस खुलासे के बाद एक अलग तरीके का बवाल मच गया है। 2014 में भारतीय टीम की कप्तानी से एमएस धोनी ने इस्तीफा दिया था, ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर थे। 2015 से विराट कोहली कप्तान बने, और उसके बाद विराट कोहली ने वनडे और T20 में भी कप्तानी की। दोनों फॉर्मेट में धोनी ने उनकी कप्तानी में खेला भी। 2019 में उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए खेला था। 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला था, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड से हार मिली थी। उसके बाद जो है 2020 में एमएस धोनी ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद लगभग 6 से 7 साल के बाद जो है अब खुलासा हुआ है, आर श्रीधर ने अपनी किताब में किया है, तो इससे एक अलग तरीके का बवाल मचा हुआ है। जो एक क्रिकेट टीम पॉलिटिक्स होती है, उसका ये नायाब उदाहरण देखने को मिला है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। मुझे नित्यानंद पाठक को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।